हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ हॉबीटेक जनरेशन चैनल। ये चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये है नोकिया का 5.1 स्मार्टफोन। ये जुलाई तक लॉन्च हो सकता है। जो नोकिया 5 के बाद नोकिया 5.1 नया वर्शन ये ला रहा है। आइए देखते हैं इसका डिज़ाइन कैसा है। ये देखिए, इसका एस्पेक्ट मैंने डिज़ाइन जो है ये ऐसे ही लगेगा आपको। तो फ्रंट बहुत ही सुंदर है इसका, और बैक वाला डिज़ाइन आप देख लीजिए एक बार। फ्रंट बैक में इसका फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, जो नोकिया 5 में फ्रंट था ये बैक में कर दिया है। वो थोड़ा लंबा था, ये गोल करके ये थोड़ा डिज़ाइन इसमें चेंज किया है ये नोकिया। और देखते हैं इसमें नया नया क्या फीचर्स दिया हुआ है। तो इसमें ऑक्टाकोर 2 GHz प्रोसेसर, जो पहले से थोड़ा अच्छा है। रैम 2 GB है, 5.5 इंच फुल HD डिस्प्ले है, 401 PPI इसका डेंसिटी है कलर का, IPS LCD डिस्प्ले है। पीछे वाला कैमरा 16 MP का है, डुअल कलर LED फ्लैश है। फ्रंट में 8 MP, फ्रंट में फ्लैश नहीं है। 3000 mAh बैटरी है। ये 4G सिम सपोर्ट करता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास इसमें स्क्रीन है। और डिटेल में आपको मैं बताता हूँ आपको ये क्या क्या फीचर्स इसमें दिया हुआ है। देखिए, ये भी एंड्रॉयड 8.0 ऑडियो सिस्टम में ये चलता है। नेटवर्क 4G तो इसमें सपोर्ट कर जाएगा आराम से। ये इसका हाइट है 151.1 mm, थिकनेस है 8.2, बहुत ही सुंदर है। तीनों कलर में आपको मिल जाएगा, ब्लैक, कॉपर और टेम्पर ब्लू। स्क्रीन साइज 5.5 इंच है, फुल HD है। एस्पेक्ट रेशियो 18:9 है। पिक्सल डेंसिटी 401 PPI है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्शन 3 दिया हुआ है इसमें। और मीडिया टेक MT6755 प्रोसेसर इसमें है। 2 GHz क्वाड कोर कोर्टेक्स A53 प्रोसेसर इसमें आराम से चलता है। और 64 bit इसका सपोर्ट है। 2 GB है, पीछे वाला जो नोकिया 5 था वो 3 GB है रैम, लेकिन इसमें रैम 2 GB दिया हुआ है। इस इंटरनल मेमोरी 16 GB है, लेकिन ये जितना भी नया वाला जितना फ़ोन है इसमें 32 GB तक आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें 16 GB दिया हुआ है। आपको 128 GB तक आपको एक्सपेंडेबल आपको मेमोरी कार्ड इसमें सपोर्ट आराम से कर जाएगा। तो पीछे वाला जो कैमरा है इसमें 16 MP प्राइमरी कैमरा है। फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और डिजिटल जून, ऑटो फोकस, फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच फोकस, सब कुछ है। लेकिन फ्रंट वाला जो कैमरा है इसमें 8 MP कैमरा इसमें दिया हुआ है, लेकिन फ्लैश नहीं है। 3000 mAh बैटरी इसमें दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा देने से अच्छा रहता है, क्योंकि 4G जो चलता है उसमें 4G एक दिन ये यहाँ पे दिया हुआ है, जो टॉक टाइम 19 घंटा 2G तक ये चलेगा। लेकिन 3G और 4G के बारे में इसमें डिटेल्स दिया नहीं हुआ है। तो इसमें अगर आप 4G सिम चला रहा है तो आपको एक दिन से थोड़ा कम मैंने 12 घंटा तक ये चलेगा। ये मल्टीमीडिया लाउड स्पीकर ऑडियो जैक 3.5 है, और मैंने इसमें आराम से सपोर्ट कर जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो आपने पहले देखा हुआ है पीछे में, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है। लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप इसमें दिया हुआ है।